हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राई, जो चाय में बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती है और टाइम पास नाश्ता भी होती है। तो चलिए बनाने की विधि को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक आलू लिए हैं। इसका सारा छिलका अच्छी तरीका से निकाल लेंगे। इसे चाकू की सहायता से अच्छी तरीके से एक जैसा कट कर लेंगे। एक साइज का कट लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना एक जैसा कट लगा है। अब कटा हुआ आलू को ठंडे पानी में अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। आलू को अच्छे से वॉश करके ले आए हैं। एक पतीले में एक गिलास पानी रख दिए हैं गैस पर। अब गैस को हम ऑन कर देंगे चूल्हे को। पानी थोड़ी हीट हो जाएगी, तब तक वेट करेंगे। ढक्कन को निकाल लेंगे। पानी थोड़ी थोड़ी हीट हो गई है, इसमें हम आलू को डाल देंगे। सारे आलू को डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें थोड़ी सी नमक। इसे अच्छी तरीके से चला देंगे ताकि नमक सब जगह घुल जाए। ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो गया है, हम फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं। इसे छन्नी के सहायता से छान लेंगे। छन्नी के सहायता से इसे छान कर निकाल लिए हैं, एक बर्तन में स्टोर कर लिए हैं। अब इसे 1 घंटे के लिए हम फ्रीजर में डाल देंगे। 1 घंटा कंप्लीट हो गया, इसे हम फ्रीजर से बाहर निकाल दिए हैं। ऑयल हीट हो गया है, अब उसमें हम डालेंगे आलू को। ध्यान रहे कि जितना ऑयल रहे उतना ही डालना है। हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कम ही फ्राई करेंगे। हल्का फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीका से छोलनी को टेढ़ा कर लीजिएगा, बाकी के ऑयल जो है कढ़ाई में गिर जाएगा। बाकी बचा हुआ भी आलू को उसी प्रोसेस से तल लेना है। सारे आलू को फ्राई कर लिए हैं। आधे घंटे हम इसे ठंडा होने तक वेट करेंगे, फिर हम इसे एक बार फ्राई कर लेंगे ताकि ये क्रंची और क्रिस्पी बन जाए। आधा घंटा कंप्लीट हो गया है, हम इसे फिर से फ्राई करेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि क्रंची और क्रिस्पी बन जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम एक बर्तन में स्टोर कर लेंगे। इस तरह से छोलनी को टेढ़ा कर लेंगे, बाकी के ऑयल जो बची हुई है वो कढ़ाई में गिर जाए। सारे फ्रेंच फ्राइज को हम तलकर निकाल लिए हैं, देख सकते हैं बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी है। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर। हम यहाँ पे टमाटो केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे जो भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको हमारी फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।